नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। गंज बसोडा भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग विभाग भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित 6 सप्ताह की अवधि के उद्यमिता सह कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ 9 जनवरी 2023 को स्थानीय गंजबासौदा शहर सावित्री महिला मंडल प्रशिक्षण संस्थान साकेत नगर संस्था के प्रांगण में मुख्य अतिथि श्री मणिमोहन मेहता, एसजीएस कॉलेज प्राचार्य श्रीमती विद्या यादव, नागरिक बैंक उपाध्यक्ष श्री अमन जैन, एक्सिस बैंक ब्रांच मैनेजर श्री निर्मल जैन, कमल अकेडमी प्राचार्य के विशेष अतिथि के कर कमलों से किया गया स्वरोजगार स्थापना की इच्छा रखने वाले कुल 35 आवेदकों को उद्यमिता के साथ ही सिलाई में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे कि वह इस व्यापार से जुड़े व्यवसाय को स्थापित करते हुए समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान बना सके। EDII द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन सहभागी संस्था शेरवाली ग्रुप भोपाल के सक्रिय सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें जिला समन्वयक श्रीमती लक्ष्मी शर्मा है। कार्यक्रम में मुकेश चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार तथा विहिप के सामाजिक समरसता प्रमुख श्री चंद्रशेखर शर्मा उपस्थित रहे। संचालन कुमारी समीक्षा शर्मा, पूर्व NYC द्वारा किया गया। विदिशा जिला ब्यूरो, मुकेश चतुर्वेदी। तो ये प्लेटफॉर्म आपको कुछ न कुछ सीखने को देता है और आप इतने सीनियर्स लोगों के साथ आपको सीखने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। तो आपको जहाँ से कोई भी चीज़ सीखने मिल रही है वो बेनिफिशियल है, तो इतना ही कहना चाहूँगा। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच और मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। जो हल्के होते थे डेली धो के सुखाते ही, आज वो कल के लिए काम आते थे, कल के सूखे आज काम आते थे। और एक जो कपड़े रखे होते थे जब हम कहीं बाहर जाते थे तो वो ले जाते थे, इतना कम कपड़ों का उपयोग होता था, ज्यादा से ज्यादा एक आदमी के पास 3 या 4 जोड़ होते थे। आज मैं खुद बताती हूँ, मैं भी बहुत शौकीन हूँ, कोई गिनती नहीं है, या तो जी परेशान रहते हैं क्योंकि फैशन के इस दौर में और आप लोग को ये बोलना चाहूंगा कि मैं अपने ब्रांच में भी और हर स्टाफ को ये बोलता हूँ कि लर्निंग बहुत जरूरी है। हम कोई भी चीज हमें सीखने मिल रही है, कहीं से मिल रही हो, चाहे आप छोटी लोकेशन पे हो चाहे बड़ी लोकेशन पे हो, जहाँ से आपको सीखने मिल रहा है वहाँ से आप